प्लस टू का आज हम नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का समझ लीजिए पहले तो, चैप्टर में करना क्या क्या है कि 30% पोर्शन हम प्लस वन के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, जो हमने कर चुके हैं, जिसमें दो फैमिलीज आएंगी, बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। ठीक है, बोरॉन एंड कार्बन फैमिली जो है हमने प्लस वन में स्टडी की है। ठीक है, जो कि आ जाएंगी पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अब 70% चैप्टर जो बचा उसको हमने कवर करना है इस प्लस टू में। ठीक है, प्लस टू के अंदर हमारे पास सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली, देन ऑक्सीजन फैमिली, देन फ्लोरीन फैमिली और लास्ट में नोबल गैसेस। ठीक है, ये चार फैमिलीज आ जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि प्लस टू के अंदर हमने इन सभी को डिटेल में स्टडी करना है, जैसे प्लस वन में ये दोनों को किया था। इसका मतलब चैप्टर को चार डिवाइड करेंगे, चार हिस्सों में। ठीक है, चार पार्ट्स आ जाएंगे चैप्टर के अंदर। सबसे पहला पार्ट आएगा ग्रुप नंबर 15, जो कि कौन सा है, नाइट्रोजन फैमिली। नंबर टू ग्रुप 16, जो कि आ जाएगा ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 फ्लोरीन फैमिली और लास्ट में ग्रुप 18 नोबल गैसेस। ठीक है, इन चारों चीजों को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना ग्रुप नंबर 15। ठीक है, सबसे बड़ा जो है ये पार्ट है चैप्टर का, सबसे बड़ा पार्ट ये वाला है, उससे कम ये, देन ये और लास्ट में ये। ग्रुप 15 में क्या आएगा, ग्रुप 15 में हम स्टडी करेंगे द नाइट्रोजन फैमिली। पहले तो आपको ये चीज बता दूं कि नाइट्रोजन फैमिली के इन मेंबर्स को, अभी मैं आपको दे रहा हूं जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स, इनको क्या बोला जाता है, पनिकोजेंस। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पनिकोजेंस। वर्ड पनिकोजेन का मतलब होता है सफोकेशन क्रिएट करने वाले, क्या करने वाले, सफोकेशन। ठीक है, अगर किसी जगह पर कोई गैस ऐसी छोड़ दें तो जैसे उससे सफोकेशन क्रिएट होने शुरू हो जाए, उसको बोलेंगे पनिकोजेन। ठीक है, वो ज़्यादातर पनिकोजेन नेचर वाली होगी। ठीक है, तो ये गैसेस इस तरह की हैं कि अगर किसी जगह पर प्रेजेंट हो तो हमारी सफोकेशन हमें शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इनके जो कंपाउंड्स बनेंगे, जो कंपाउंड्स होंगे उनको बोलेंगे हम पनिकोनाइट्स। ठीक है, पनिकोनाइट्स, पनिकोजेंस और पनिकोनाइट्स, ये कंपाउंड्स होंगे। सबसे पहले तो इनके एलिमेंट्स क्या आएंगे। ठीक है, इनके देखिए एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर, कौन कौन से एलिमेंट है ग्रुप 15 के अंदर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, ये पांच एलिमेंट्स हैं जो कि इन फैमिली के अंदर, मतलब इस फैमिली के अंदर ग्रुप 15 में प्रेजेंट है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अगर इनके सिंबल शो करूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। एटॉमिक नंबर बताऊं तो 7, 15, ये 33, 51 एंड 83। कैलकुलेट करने के लिए आपको प्लस वन में बताए थे ये मैजिक नंबर। ठीक है, 32, 18,
18, 8, ठीक है, इस तरह से 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2, 2s2, 2p3, देन ये हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फॉस्फोरस, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, इसी तरह से 4s2, 4p3, 5s2, 5p3, 6s2, 6p3, ठीक है। ये आ गई हमारी इनके बारे में जनरल चीज़, ठीक है। एक नोट है सबसे पहले, तो इनकी अगर हमने लिखनी होगी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 या नाइट्रोजन फैमिली, वो आएगी NH2 NP3, जिसमें N की वैल्यू जो है 2 से लेकर 6 तक वेरी करेगी, ठीक है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, 2s2 2p3, इसमें लास्ट में आ रहा है 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3, तो जनरली क्या आ गया, NH2 NP3, ठीक है। ये आ गई हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली में हमने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, सॉरी एंटीमोनी एंड बिस्मथ, इन सभी के रिलेशन, जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सभी को पढ़ना है, ठीक है। प्लस वन में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बट इस केस में हमने फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, ठीक है। सिर्फ फिजिकल नहीं, फिजिकल भी करेंगे, केमिकल भी करेंगे। ज़्यादा फिजिकल हमने कर चुके हैं, ठीक है। फिजिकल का ज़्यादातर पार्ट हमारा कवर हो चुका हुआ है, ठीक है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पूरा डिटेल में स्टडी नहीं करना, सिर्फ उसमें भी बताना है कि क्या चीज़ किस तरह से वेरी कर रही है, ठीक है। केमिकल को पूरी डिटेल में करेंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम वहाँ पर बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल के अंदर जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी है अटोमिक रेडियस, ठीक है, अभी आएगी बताऊंगा मैं आपको। जैसे अटोमिक रेडियस है, और अब अटोमिक रेडियस के अंदर बात करें तो अटोमिक रेडियस में हमने ये देखना है बस कि वो वेरी कैसे कर रहा है, ये नहीं देखना कि वो वेरी किस कारण ऐसे कर रहा है, ठीक है। इसका प्रॉपर जो रीज़न है हमने प्लस वन में पढ़ चुका है, ठीक है। इस तरह से ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर।